हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ हिंदी चैप्टर डायरी के पन्ने। आगे बढ़ने से पहले बता दूँ कि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायरी के पन्ने। ये दोस्तों चैप्टर एनी फ्रैंक द्वारा रचित है, जो कि इस डायरी के पन्ने में एनी फ्रैंक बताती है कि मतलब उसके साथ साथ क्या घटना घटित हुई थी, क्योंकि क्योंकि एनी फ्रैंक नाजीज थी और वो जर्मनी में रहती थी जहाँ पे हिटलर का राज था। तो वहाँ पे अनेक सी घटना घटित हुई थी और इसी घटना को घटित अपने वो डायरी में लिखती है, और उसी डायरी का नाम देती है वो अपने प्यार से किटी नाम देती है। और वो अपनी डायरी में हर घटित घटना लिखती है, जैसे कि उसके साथ प्रतिदिन क्या घटना घटित होती है, प्रतिदिन उसका कैसा व्यवहार होता है, प्रतिदिन घर में क्या समस्या होती है, प्रतिदिन घर की मतलब पूरी जो भी उसके साथ हुआ था वो पूरी अपनी डायरी किटी में लिखती हैं। और उसने काफ़ी मतलब घटना लिखी अपनी इस डायरी यानी किटी में। और दोस्तों, ये काफ़ी बहुत सारी घटना थी, तो मुझे एक एक घटना बताना बहुत काफ़ी मुश्किल हो सकता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा घटना की गौर करते हुए मैं इसके क्वेश्चन आंसर पाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है, माफ़ करना दोस्तों, मेरे क्या क्वेश्चन नोट नहीं किया हुआ है, तो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर बोलने जाता हूँ। जैसे कि मैं पैराग्राफ में बोल देता हूँ, पहला, इलिया इरनबर्ग में जो कुछ भी कहा था वह बिल्कुल सही था। योद्धाओं की संख्या लगभग 60 लाख थी, उन पर नाजियों के हमले किए जा रहे थे, सभी जुर्म सहने के लिए मजबूर थे, जख्म सहने थे, किसी न किसी को विरोध करने का साहस नहीं था। केवल 13 वर्ष की लड़की, जो मतलब एनी फ्रैंक थी, वो 13 वर्ष की थी महज उस उम्र में, और वो लड़की एनी फ्रैंक ने साहस किया था, मतलब किसी ने भी मतलब आवाज़ उठाने का साहस नहीं किया था कि आखिर उन पर क्यों हमले किए जा रहे हैं। सिर्फ एनी फ्रैंक ने ही साहस किया था और उसने ही आवाज़ उठाई थी। उनसे नाजियों के अत्याचारियों लिपिबद्ध किया गया। ये डायरी नाजियों की क्रूरा मानसिकता परिचय देती है, मतलब क्योंकि इस डायरी में नाजियों की मतलब जो जो उन्होंने दुष्कर्म व्यवहार किए थे वो सभी घटना को एनी फ्रैंक ने अपनी इस डायरी में नोट किया हुआ था। ये था फर्स्ट। अब आ जाए सेकेंड पैराग्राफ पर, एक ही क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। इसे पढ़कर हमें यह पता चलता है कि सामान्य लोग पर भी किसी युद्ध का बहुत बड़ा भयानक प्रभाव होता है पड़ता है। युद्ध लोगों के जीवन की नरक बन देता है, क्योंकि जहाँ पे युद्ध होता है वहाँ पे लोगों का जीवन नरक सा बनने लगता है, क्योंकि चारों ओर आतंकियों से ऐसा ही हमला छाने लगता है, चारों तरफ युद्ध का छाने लगता है, कितने लोगों की मौत होती है, इसलिए लोगों का जीवन वहाँ पर नरक बन जाता है जीते जी हुए होते हुए भी। निर्देश नर नारिकों को यात्रा गृहों में विशेषताओं के साथ जीवन बताना पड़ता है। वास्तव में यह डायरी 60 लाख लोगों की आवाज़ के ऐतिहासिक घटना का चित्रण देती है, क्योंकि ये 60 लाख लोगों का चित्रण तो देती है ऐतिहासिक आवाज़ का, पर किसी ने भी साहस नहीं किया था उस आवाज़ को उठाने का, मतलब किसी आवाज़ को उठाने का, सिर्फ एनी फ्रैंक ने ही साहस किया था। ये था फर्स्ट। अब आ जाता है सेकेंड पर, इसमें भी दोस्तों मेरे क्वेश्चन ऐसे किसी में क्वेश्चन नोट नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों सेकंड ये रहा कि जैसे कि क्वेश्चन है काश से लेकर है तक, इस आंसर ये कि हमें लगता है कि शायद अकेलेपन के कारण ही एन ने सब कुछ ये लिखा होगा, क्योंकि यद्यपि उसके परिवार में कोई भी उसके साथ किसी अज्ञात स्थान पर 2 वर्षों तक नहीं रही, परंतु वह उसकी भावनाओं से किसी को समझने का प्रयास नहीं किया था, क्योंकि घर में वो रहती थी वहाँ पर उस पर किसी ने भी उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं किया था, लेकिन कि उसकी माँ हो, उसके पिता हो या उसकी छोटी बहन हो, किसी ने भी उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं किया था। पीटर से दोस्त की तरह प्यार तो करता था, पीटर मतलब उसका जो बेस्ट फ्रेंड था उससे दोस्त की तरह प्यार तो करता था, पर उसकी भावनाओं और आवश्यकताओं को नहीं समझता था। माता पिता तथा बंधन ने भी कभी ना कभी उसकी भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया, नहीं उसकी भावनाओं को गंभीरता से समझते थे कि ये बच्ची क्या कहना जा रही है। हर विषय के लिए वह अपने ही मन से तर्क करते अपनी धारणा बनाती रही, फिर चाहे वह नारी की स्थिति हो या फिर वह डसोल का व्यक्ति है। उसकी अपनी सोच है, अपना विश्लेषण है जिसे कि वह किसी न किसी से नहीं कह सकती, और नहीं उसका कारण था कि एन ने अपनी डायरी ने अपनी भावनाओं तथा विचारों को व्यक्त किया, यद्यपि तो वो डायरी नहीं लिखती।
मतलब इस प्रश्न में यही लिखा, इस उत्तर में यही लिखा हुआ है कि एन ने अपनी, एन की मतलब जो भी वो 13 वर्ष की लड़की थी, उसके घर में उसकी भावनाओं की कोई भी कदर नहीं करता था, ना ही उसकी भावनाओं को कोई समझता था कि आखिर ये बच्ची क्या कहने चाह रही है, इसकी क्या सोच है, इनकी क्या मतलब आगे उसको क्या तरक्की करनी है, क्या आगे बढ़ना है। तो कोई भी उसकी भावनाओं को काफ़ी गंभीरता से नहीं ले पाता था। पीटर उसकी जो मतलब उससे दोस्ती हुई थी, वो भी उसे मतलब प्यार तो करता था, लेकिन उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाता था, ना ही उसकी आवश्यकताओं को समझ पाता था। तो क्या एनी के मूल उद्देश्य यही है डायरी लिखने का, कि वो अपनी भावनाओं को इसी डायरी में प्रकट करना चाहती थी। और साथ ही साथ इस डायरी को उसने नाम दिया था किटी, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, और वो रोज़ इस डायरी में अपनी सारी घटना लिखती थी, क्योंकि वो समझती थी ये डायरी ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जो मेरी मैं राजी जो मेरी भावनाओं की कद्र करेगी। अर्थात क्योंकि उसके घर में कोई भी उसकी भावनाओं की कद्र नहीं करता था। अगर घर में कोई भी उसकी भावनाओं की कद्र करता तो शायद एनी ये डायरी नहीं लिखती। ये था सेकंड। बात है थर्ड पर। थर्ड पर ये है दोस्तों कि जैसे कि एन से लेकर है, एन ने ये डायरी अपने जीवन के कठिन दौर में लिखी थी। उस समय उसका जीवन कष्ट भरी था, अनेक अनेक अत्याचारों को सहन करना पड़ रहा था। यहाँ उस समय के भयानक ऐतिहासिक घटना का दस्तावेज है। इसे उसने अपने अकेलेपन पद तथा वर्णन किया है। उसमें बताया है कि उनकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं था, सभी उसके घमंडी मानते थे, मतलब सभी एनी को घमंडी मानते थे, ना ही उसकी भावनाओं को समझते थे और ना ही उसकी भावनाओं को कद्र करते थे। अपनी एनी सामाजिक परिस्थितियों एवं अपने जीवन पर पड़ने वाली भावनाओं तथा प्रभावशाली वर्णन एन से अपनी डायरी में लिखा है। यह सभी बातें सिद्ध करती है कि एन की डायरी अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवन दस्तावेज है, तो साथ ही उसके नीति सुख दुख और भावनात्मक तथा उथल पुथल का अपेक्ष पक्ष है। इसके कहने का मतलब यही कि एन की डायरी जो है एक विशेष ऐतिहासिक जीवन का दस्तावेज देती है, क्योंकि एन के साथ जो भी मतलब घटना घटित हुई थी, उसकी सभी घटनाओं को विशिष्ट चित्रण इस अपने उस डायरी किटी में किया था, और वही उसकी सुख दुख की साथी भी थी। तो इसी डायरी के माध्यम से यही कह सकते कि वो एक डायरी ऐतिहासिक घटना का दस्तावेज यानी उसका चित्रण करती है, क्योंकि उन सभी घटनाओं का चित्रण एनी ने अपनी इस डायरी में किया था। ये था दोस्तों थर्ड। सॉरी दोस्तों, ये फोर्थ है। थर्ड मैं बताऊंगा क्योंकि मेरी ऑर्डरिंग चेंज हुई भी है। तो मैं अब ले जाता हूँ आपको क्वेश्चन की ओर, फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। ये है एन से लेकर करे तक। एन ने अपनी डायरी का हर चिट्टी किटी नामक गुड़िया को संबोधित करते हुए लिखी थी। उसने कार्य इसलिए किया ताकि उसकी गोपनीयता खराब न हो। यदि यह डायरी कभी पुलिस के हाथ लग भी जाए तो वह इसके बच्चों की डायरी समझकर छोड़ देंगे। इसी कारण डायरी ने मतलब सॉरी एनी ने अपनी डायरी किटी में ये सब लिखा था। उसने कभी तक सच्चा मित्र नहीं मिला था उसे, क्योंकि कभी तक कोई भी सच्चा मित्र नहीं मिला था। पीटर जो मिला था वो भी उसकी भावनाओं को समझता नहीं था, सिर्फ एक डायरी थी जो उसकी भावनाओं को समझती थी और उसके सुख दुख की साथी भी थी। जो कुछ सच्ची भावना का सबसे बड़े समझ सके, इसलिए उसने अपनी सारी बातों को इसी चिट्ठियों में लिखकर डायरी के रूप में गुड़िया को संबोधित करते हुए लिखी थी। क्योंकि एनी को कोई भी सच्चा साथी नहीं मिला था और उसने अपनी सभी भावनाओं को इस डायरी के पन्ने में लिखा था। ये था फिफ्थ दोस्तों। अब आ जाते हैं थर्ड पर। बहुत सॉरी दोस्तों, मेरी ऑर्डरिंग चेंज हुई भी है, तो ये क्वेश्चन नोट नहीं है, डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूँ। जैसे कि एन से लेकर भाले तक ये क्वेश्चन। एन की डायरी ने इस कथन में यह सब पता चलता है कि वो पूरे विश्व के पुरुषों को दिखावा दबदबा उन्होंने औरतों तदा सदा ही शासन किया है। मतलब कि जैसे सभी पुरुषों ने औरतों को दबाया है और उन पर सदा के लिए शासन किया है, और उन पर कमजोर और उनको कमजोर माना है। किसको? औरतों को। किसने माना है? पुरुषों ने। पुरुषों का काम केवल पैसा कमाना है तथा स्त्रियों का काम बच्चों को पाल पोस कर उन्हें बड़ा करना है। केवल ऐसी धारणा बनाने से उनके स्त्रियों व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है। केवल चार दीवारी में रहकर उनमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है और उसे धीरे धीरे उनका आकर्षण भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार औरत ही मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए पीड़ा सहती है। पुरुषों सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश औरतों का अन्याय ही किया है।
एन स्त्रियों के जीवन को अतुकुली अतुलनीय मानती है, मतलब विशेष मानती है। उनके भीतर स्त्रियों को विशेष को लेकर अपने सपने हैं तथा उन्हें पूरा करने का विश्वास भी है कि आने वाली सदी में औरतों की स्थिति बदलेगी, उन्हें समान सम्मान मिलेगा, उनकी स्थिति बच्चों को पालने पोषने तक नहीं रहेगी बल्कि वहाँ तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कुछ ऐसा करेगी जिससे उन्हें सदैव याद किया जा सके। मतलब इस क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि नारियों का सदा से ही अपमान किया जाता है, वे पुरुषों हमेशा नारियों से हीन समझते हैं, मतलब उनके आगे समझते हैं उनके, वे सोचते हैं कि उनका मूल उद्देश्य यही है, वो पैसा कमाना जानते हैं और वह पैसा कमाकर घर में लाते हैं, बल्कि स्त्रियों का मूल उद्देश्य ये है कि वो घर में बीवी सॉरी बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करें और उनके आगे बढ़ाएं। लेकिन एनी की ये धारणा है कि नारियों की मतलब खुद के विशेष सपने हैं और उन्हें पूरा करने का विश्वास भी है और वह ऐसा ही इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ती है कि आने वाले समय में नारियों की दशा बदलेगी, मतलब उनकी स्थिति बदलेगी और वे कुछ ऐसा काम करेगी उनके सदा सदा युगों युगों के लिए उनको याद किया जा सके। क्योंकि उस समय वहाँ के लोगों की सभी धारणा यही थी कि वो स्त्रियों को पैर की जूती समझे। दोस्तों ये था आंसर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि ये काफ़ी दोस्तों काफ़ी लंबी इसकी समरी है दोस्तों, तो मैं बता नहीं पाया इसलिए मैंने क्वेश्चन में अच्छी तरह से इसको समझा दिया। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप फिर से मुझे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर देना। तो ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया ना, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, थैंक यू।